दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। जिले में धारा 144 लगने के बावजूद भी पुलिस अलर्ट होने के दावे को धाता बताते हुए बेखौफ कार सवार बदमाशों ने एक पूर्व पार्षद के बेटे को गोली मारकर फरार हो गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल युवक को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई। पूर्व पार्षद के बेटे को गोली मारी है, क्या है पूरी घटना? देखिए, ये जो मनीष यादव है, ये इस दो एक कपिल का मर्डर यहाँ पर हुआ था 2014 में। इसमें मनीष और इसका भाई आशीष और एक अन्य जो इनका रिश्तेदार था वो उसे नामजद थे। बाद में इन दोनों के नाम निकल गए थे कपिल के मर्डर में। तो जो उसके परिजन थे उन्हें ये शक था कि इसका, जैसा कि परिजनों ने बताया है, उन्हें ये शक था कि ये लोग भी मर्डर में शामिल थे। हालांकि अभी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, लेकिन संभवतः जो उनके पर आशुतोष गुप्ता। सर, क्या घटना हुई थी यार यहाँ पर? मेरे पड़ोस में दुकान है, आशीष यादव बैठते हैं यहाँ पे, मनीष यादव बैठते हैं, मनीष यादव की गोली लगी है। वो अपनी गाड़ी में बैठते जा रहे थे। गाड़ी को क्या लगता है किन लोगों ने गोली मारी है, कुछ पता लगा? ये पता नहीं, कोई अज्ञात हमला बना है, वो भी कार से थे, उसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस अपना सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक कर रही है। कितनी गोली मारी है? दो गोली मारी है और एक दूसरे दुकानदार को लगी है, पर उसमें जॉब करता है, उसके भी पीछे गोली लगी, छत लगा है उसके पीछे और सर पे गोली मारी गई। सर पे गोली मारी? क्या लगता है कोई पुरानी दुश्मनी है लगती है? शायद 10 साल 12 साल पहले।